आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सो आवर क्वेश्चन इज रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू द वॉल्यूम ऑफ इट्स एटम इज अराउंड। ओके, सो हमें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ एटम, इन दोनों के जो वॉल्यूम्स हैं उसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। सो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^-15 मीटर्स। सो न्यूक्लियस की रेडियस होती है वो 10^-15 मीटर के ऑर्डर की होती है, और जो रेडियस होती है एटम की, रेडियस ऑफ एटम इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10^-10 मीटर्स। सो अब हमें रेशियो कैलकुलेट करना है वॉल्यूम्स का। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ, वी कैन कंसिडर न्यूक्लियस एज ए स्फेयर, सो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 4/3 π/r³, 10^-15 टू द क्यूब। वॉल्यूम क्या होगी एटम की? वॉल्यूम ऑफ एटम विल बी 4/3 π/r³, सो रेडियस कितनी है? 10^-10 टू द क्यूब। अब हम रेशियो निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एटम, रेशियो विल बी इक्वल्स टू 4 π/3 से 4π/3 कैंसिल हो जाएगा, सो ऊपर आएगा 10^-15 की क्यूब, विच इज़ इक्वल्स टू 45/10^-30, विच कम्स आउट टू बी 10^-15। सो ये जो रेशियो है वो 10^-15 के ऑर्डर का आता है, विच इज़ गिवन इन ऑप्शन 3, सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।